भी हटमेंट हम देखते हैं वे दरअसल, जैसा पुरी जी ने बताया, सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय में बैरक थे, अस्तबल थे और वह भी पूरी तरह से अस्थाई थे। परंतु कालांतर में यह अस्थाई व्यवस्था धीरे धीरे अस्थाई होती चली गई। वक्त के अनुसार बदलाव की जरूरत थी। जैसे वक्त के अनुसार आप बराबर बदलाव करते रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन वह बदलाव नहीं हो पाया। यथास्थितिवाद का जो रवैया है उसके कारण यह हम लगातार उसी रास्ते पर चलते गए। और मैं समझता हूं कि यह हटमेंट्स उन्हीं विरासतों में से एक है और इन वैरकों हटमेंट्स में ऑफिशियल्स 70 वर्षों से लगातार काम करते चले आ रहे थे और बिल्डिंग्स इतनी जर्जर हो गई थी कि टूटने के कगार पर थी। कभी कभी तो मुझे भी इसकी शिकायतें रक्षा मंत्री होने के नाते प्राप्त हुई हैं। यह हमारे अधिकारियों की वर्किंग कंडीशन को भी प्रभावित करता था और इस हटमेंट का फैलाव सेंट्रल विस्टा की 91 एकड़ भूमि पर, जैसा मुझे बताया गया है, जिसके कारण इस जगह का जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जितना होना चाहिए था उतना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इसका नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आपने ही अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए अपनी काल्पनिक क्षमता के आधार पर इतना बड़ा यह फैसला किया है जिसके परिणाम स्वरूप यह कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हुआ है। जैसा आपको बताया गया है कि 7000 से अधिक कर्मचारी और अधिकारी इस कॉम्प्लेक्स में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छी वर्किंग कंडीशन में अधिक इफिशियंसी के साथ वह काम कर सकेंगे। और प्रधानमंत्री जी, यह कॉम्प्लेक्स 21वीं सदी के ऑफिसर्स के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है और हर तरह की सुविधाएं भी इस डिफेंस कॉम्प्लेक्स में उपलब्ध हैं, ऐसा मुझे बताया गया है। और साथ ही लोकेशन के कारण विभिन्न ऑफिसर्स के बीच तालमेल भी पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ेगा, क्योंकि हटमेंट्स और बैरक्स में यह संभव नहीं था, लेकिन यहां पर कोलोकेशन होने के कारण विभिन्न ऑफिसर्स के बीच जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए स्वाभाविक रूप से वह कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। और प्रसन्नता का विषय है, जैसा पुरी जी ने भी बताया, कि कोविड के चैलेंजेस के बावजूद निर्धारित समय में, मैंने एक साल के अंदर ही यह पूरा हो गया और जिस जुनून के साथ ये हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने काम किया है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। और उनके सचिव जब दुर्गा शंकर जी मिस्त्र से जब भी हमारी बात हुई तो मैंने उनके अंदर जो जुनून देखा, पहले मुझे नहीं लगता था कि निर्धारित समय में पूरा हो पाएगा, लेकिन जुनून देखने के बाद हमारा विश्वास पक्का होता चला गया कि बार बार वह कहते थे नहीं, हम इसको समय के अंदर पूरा करेंगे और यह कॉम्प्लेक्स पूरा हो गया है। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिनके नेतृत्व में सरकार बनने के साथ ही रक्षा सशक्तिकरण का काम बड़ी तेजी के साथ प्रारंभ हुआ है। चाहे वन रैंक वन पेंशन का काम हो, चाहे CDS की नियुक्ति का प्रश्न हो, चाहे डिफेंस मॉडर्नाइजेशन हो, चाहे डिफेंस एक्विजिशन हो, और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए आपके नेतृत्व में किए गए प्रयासों का परिणाम अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। मैं समझता हूं कि इसमें बहुत विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह तो अभी एक शुरुआत मात्र है और सेंट्रल विस्टा के रीडेवलपमेंट की शुरुआत नेशनल वार मेमोरियल के साथ होना, मैं समझता हूं स्वयं इस प्रकार की आपकी दूरदर्शिता और हमारी सेनाओं के प्रति आपके कमिटमेंट को यह दर्शाता है। देवियों एवं सज्जनों, नए पार्लियामेंट के कंप्लीशन और सेंट्रल विस्टा के पुनर्निर्माण के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना के अनुरूप जब यह इलाका निखर कर भव्यता के साथ सामने आएगा, तब यह नए और सशक्त भारत का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व करेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। इस अवसर पर मैं आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह जी पुरी और उनके पूरे मंत्रालय को और CPWD विभाग को भी हार्दिक बधाई देता हूं और जो उन्होंने अथक परिश्रम किया है
तब जाकर यह निर्माण पूरा हो गया है। इसलिए पुनः अपनी तरफ से उन सबको हृदय की गहराइयों से बधाई देते हुए और आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान। 2021 आजादी का अमृत महोत्सव, 1971 के महासंग्राम का स्वर्णिम विजय वर्ष, वो महाविजय जिसने दुनिया के नक्शे को बदल के रख दिया। जैसा कि माननीय रक्षा मंत्री ने बताया, पूरा देश आजादी के परवानों का, शूरवीर सैनिकों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित ये भव्य कार्यालय परिसर, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे। दरअसल प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट की पहली झलक हमने आपको दिखाई। आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय का यहाँ पे जो दो दफ्तरों का जो उद्घाटन हुआ है, ये दरअसल एक सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। नए रक्षा कार्यालय परिसर में सेना, नौसेना और वायुसेना सहित रक्षा मंत्रालय और उसके साथ ही, जैसा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जानकारी दे रहे थे कि 7,000 अधिकारी इसमें काम कर सकते हैं। पीएमओ की तरफ से ये भी बताया गया कि ये भवन अत्याधुनिक है और इसके साथ ही भवन संचालन के प्रबंधन के लिए एक एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र की स्थापना भी इसमें की गई है। इनकी कर्तव्य परायणता और सजगता के कारण ही तो देश मना रहा आजादी का अमृत महोत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजनरी लीडरशिप में जब शुरू हुआ सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट मास्टर प्लान, तब इस प्रोजेक्ट के तहत 90 सालों में पहली बार इस क्षेत्र के 62 एकड़ में कार्यरत हमारे सेना नायकों को प्राथमिकता देकर उन्हें आधुनिक सुविधाओं के साथ बेहतर स्थान पर स्थानांतरित करने का किया गया विचार। पहले जहां हमारे 7,000 सेना नायक, जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल रैंक तक के ऑफिसर शामिल हैं, वे द्वितीय विश्व युद्ध के समय बने हटमेंट यानी अस्थायी कार्यालय और जिनका अंग्रेजों द्वारा अस्तबल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, वहां कार्य करते थे। लेकिन आज हुआ है कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू के 13 एकड़ क्षेत्र में स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से युक्त अत्याधुनिक कार्यालय परिसर का निर्माण। रिसोर्स एफिशिएंट, एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइट गेज स्टील फ्रेम जैसी न्यू टेक्नोलॉजी LGSF का उपयोग कर 12 से 13 महीने के कम समय में ही इस ऐतिहासिक निर्माण कार्य को किया गया है पूरा। यहाँ है रूफटॉप सोलर पैनल्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जीरो वेस्ट कैंपस, ऑक्यूपेंसी सेंसर्स, पजल पार्किंग जैसी स्वचालित और नवीनतम प्रणाली जो पार्किंग की पूरी व्यवस्था का रूप ही बदल देगा। साथ ही हॉस्पिटल, मॉडर्न बैरिक्स, जवानों के लिए कैफेटेरिया के साथ 24 आवर्स 7 डेज अ वीक फुल फ्लेज्ड किचन और एम्यूनिशन बैकअप फैसिलिटी, सुरक्षा के लिए हाई लेवल सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस, इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। इसके इंटीरियर में है झलक ग्लोबल ऑफिस ट्रेंड्स की। कोविड जैसे चुनौतीपूर्ण समय के बावजूद भी 6.5 लाख पर्संस डे के रोजगार का सृजन कर आत्मनिर्भर भारत के तहत इस भव्य इमारत का 8,000 टन सीमेंट, 9,000 टन स्टील का इस्तेमाल कर निर्माण दिखलाता है न्यू इंडिया की ताकत को। और इतने बड़े और भव्य निर्माण में एक भी पेड़ का न काटा जाना पर्यावरण के प्रति हमारी संवेदनशीलता को भी करता है उजागर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अत्याधुनिक भवन को आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सौंप रहे हैं हमारे उन सेना नायकों को जिनकी रगों में बहता है भारत और जिनके हाथों में शान से लहराता है